नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एनपी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई एप्लीकेशंस की जो पीसेस एनपी कंपनी ने डेवलप करी है सीए एंड लॉयर्स के लिए। वो सीए लॉयर्स जो आईटीआर या जीएसटी या पैन कार्ड इस तरह के काम करते हैं, यानी कि जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस तरह की, तो उनके लिए पीसेस एनपी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो सीए लॉयर्स हैं वो क्लाइंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट का डेटा फुल्ली, जो उनकी पैन कार्ड इंफॉर्मेशन है, जीएसटी इंफॉर्मेशन है, जीएसटी पैनल का आईडी पासवर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसका आईडी पासवर्ड है, वो आपसे कौन की कौन सर्विस अवेल कर रहा है क्लाइंट, वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उनको टैक्स इनवाइस दे सकते हैं, जीएसटी आईटीआर का वाउचर जनरेट कर सकते हैं, रिसिप्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन में पीसेस एनपी कंपनी द्वारा दिए गए। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि कैसे उस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और कितने आसान तरीके से आप कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करते हैं, जिसको आपको हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैसे आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशंस ओपन कर ली है। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले यूज़र आईडी पासवर्ड प्रेस करना है। जो भी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, एंड यूज़र आईडी पासवर्ड हमने डाल दिया। आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे, टेक्स्ट दिख रहे होंगे, जिसमें कस्टमर है, प्रोडक्ट सर्विस है, बिल है, जीएसटी आईटीआर फाइल है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, रिपोर्ट्स है, कस्टमर इन्फो है, रेफरेंस सेटअप है, इस तरह के फीचर्स, और लास्ट फीचर्स एक और है सेटिंग। ठीक है, तो आप इन सब का कैसे यूज़ करेंगे तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। वीडियो आप अंत तक देखिए, एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको जितने भी सीए लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कस्टमर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस कस्टमर वाले टैब पे आप कस्टमर का डाटा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर का फाइल नंबर है, जो भी फाइल नंबर जीएसटी जो भरते हैं सीए और लॉयर्स वो प्रोवाइड करते हैं, एक फाइल नंबर चलता है उनके यहाँ, तो फाइल नंबर डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, स्टेट है, कंट्री है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, ओपनिंग बैलेंस मैनेज कर सकते हैं, फर्म का नाम है, जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, जीएसटी वेबसाइट का यूज़र आईडी पासवर्ड है, आईटी वेबसाइट का यूज़र आईडी पासवर्ड है, जीएसटी का अगर फाइल नंबर अलग है तो वो डाल सकते हैं, आईटी का फाइल नंबर अलग है इनकम टैक्स वाली फाइल का तो वो डाल सकते हैं, जीएसटी का टाइप क्या है, कस्टमर टाइप क्या है, स्टेट टाइप क्या है, रेफरेंस डाल सकते हैं। उसी तरह से वो आपसे क्या क्या सर्विस अवेल कर रहा है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आईटीआर ले रहा है तो आईटीआर में किन किन सर्विसेज को वो आपसे ले रहा है, जैसे आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से और भी अगर आईटी की सर्विसेज होती हैं तो जो भी फॉर्म्स होते हैं वो सब आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर जीएसटी ले रहा है तो जीएसटी में क्या क्या है, 3B है, 1 है, 9 है, 2 है, 9C है, तो इस तरह की सर्विसेज भी आप खुद से बना भी सकते हैं अलग से। देन उसके बाद सबसे पहले हम, जैसे हम कोई एक कस्टमर हमने बनाया हुआ है तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो गई, जिसमें आप देख पा रहे हैं कोड है, नेम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने ओपनिंग बैलेंस भी डिफाइन किया था तो हमने वो ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ शो हो रहा है। अगर आपको जीएसटी की यूज़र आईडी अभी डॉट डॉट सेव हो रही है, ये फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ है, यानी कि अगर जैसे किसी क्लाइंट से कोई, किसी लॉयर सीए से कोई क्लाइंट मिलने आता है तो उसके सामने किसी और का यूज़र आईडी पासवर्ड शो ना हो, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट डॉट डॉट के फॉर्म में आता है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो यूज़र आईडी या पासवर्ड यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्लाइंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें एक और सर्विस बढ़ाता हूँ, वो हमसे एक सर्विस और ले रहा है, आईटीआर 4 एक्टिव कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करते ही कस्टमर का रिकॉर्ड सेव हो गया। देन उसके बाद अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक आईटीआर सर्विस और इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो भी लॉयर्स हैं सीए हैं वो अपने क्लाइंट्स का डेटा मैनेज
कर सकते हैं। अगर हमें किसी क्लाइंट को सर्च करना है, जैसे हमें कोड याद नहीं है, नाम से सर्च करना है या मोबाइल नंबर से सर्च करना है, तो हम F1 प्रेस करेंगे और जितने भी क्लाइंट्स का लिस्ट है वो सामने ओपन हो जाएगी। राइट साइड में आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। तब जब आपको यहाँ पे सर्च करना हो, जैसे मान लीजिए आपको नाम याद है, तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। आप जितने भी अमित नाम के हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर से सर्च करना हो तो आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोड से सर्च करना हो तो आप कोड से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जैसे मान लीजिए ये कोई क्लाइंट मैंने सर्च किया और यहाँ पे एंटर करेंगे तो उनकी डिटेल सामने शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्लाइंट का डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं और उसको इजिली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ITR बना रहे हैं, GST टाइप बना रहे हैं, वो बनाएंगे कहाँ से? अगर मान लीजिए और भी मुझे चाहिए तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करने का। यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विस, उसका रेट, उसका GST, उसका टाइप, उसकी टर्म, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जितना चाहें उतना बनाएं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज हैं एक्स्ट्रा, वो आप सब यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैं एक GSTR 2A बनाता हूँ, उसका कोई भी चार्ज हो, ठीक है, GST 18% टाइप, GST में टर्म 3 मंथ 1 मंथ, जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके इसमें सर्विसेज ऐड हो जाएगी। देखिए GSTR 2A भी यहाँ भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे किसी को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर दूंगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, जो प्रोडक्ट बने हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं, अमाउंट में चेंजेस कर सकते हैं, GST चेंज कर सकते हैं, टर्म चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स PSSNP एप्लीकेशंस में प्रोवाइड किया गया है, जो लॉयर्स और CA के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। उसी तरह से अगर किसी क्लाइंट का बिल जनरेट करना है, ऑल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे, बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, डेट डालेंगे किस डेट में आपको बिल जनरेट करना है, फिर आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे यानी क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी क्लाइंट होगा आपने उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी वो सर्विस ले रहा है उस सर्विस का आपको बिल बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम बिल क्रिएट कर सकते हैं। राइट साइड की विंडो में आपको नॉन टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, SGST, CGST, IGST सब शो हो जाएगा, जिससे आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिमार्क है वहाँ यहाँ से एंटर कर सकते हैं और आप इसे सेव कर देंगे। अगर आपको बिल प्रिंट करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे और डेटा सेव हो जाएगा। इस तरह से आप क्लाइंट को टैक्स इनवॉइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप बिल नहीं बना चाहते, सिर्फ और सिर्फ GST और ITR का वाउचर सेव करना चाहते हैं, तो ऑल्ट के साथ G प्रेस करेंगे तो आप GST और ITR का वाउचर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है, आपने F3 प्रेस किया, उस क्लाइंट का रिटर्न टाइप सेलेक्ट किया कि कौन सा रिटर्न वो भर रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3B है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं GSTR 3B, 3 मंथ का है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का हम GST ITR हमने वाउचर काट रहे हैं। टैक्स पेड कितना हमने टैक्स पेड किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अमाउंट फी, जो आपकी अमाउंट या फी होती है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। रिमार्क जो होगा आप वो यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे। अब आप GSTR 3B इस फाइनेंशियल ईयर का कौन सा भर रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, ऐसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 3 मंथ का ये मैंने भरा हुआ है और आप इस आप इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप GST ITR का वाउचर विदाउट बिल सेव कर सकते हैं। देन अगर हम उसी पार्टी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी कि यहाँ पे साइज सेट दिख जाएगा आपको कि आपने ये किस वाउचर नंबर काटा, ये डेट आ गई, रिटर्न टाइप आ गया, टर्म है, कौन से मंथ का दिया है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर, ये जो एक्टिवेट असेसमेंट ईयर है
इसका मतलब ये होता है जब आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर में दो कंडीशन होती है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है कि किस असेसमेंट ईयर का आप भर रहे हैं और कौन से फाइनेंशियल ईयर में, मतलब किस असेसमेंट ईयर भर रहे हैं और कौन से फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में आपने ये जो एक्टिवेट असेसमेंट ईयर है इसको एक्टिव कर देना है, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये आईटीआर फाइल हुआ था। तो इस तरह से आप जीएसटी आईटीआर का वाउचर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट पे। अब आपको किसी क्लाइंट से रिसिप्ट लेनी है, यानी उसका जो भी आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की है अब वो आपको अमाउंट पे कर रहा है, तो आप रिसिप्ट चढ़ाओगे, रिसीविंग करोगे, तो उसके लिए ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट का फॉर्म खुल जाएगा। देन उसके बाद आपने पार्टी सेलेक्ट करनी है, क्लाइंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्लाइंट आपको पे कर रहा है, रिसिप्ट का हेड कि जीएसटीआर आईटीआर जीएसटीआर जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट वो आपको पे कर रहा है वो आप यहाँ पे एंटर मार देंगे। सेटलमेंट मोड चेक है या कैश है, अगर चेक है तो चेक का नंबर डाल देंगे, बैंक कौन सा है वो बैंक को डाल देंगे, रिसीव बाई किसके द्वारा रिसीव किया, रिमार्क डालना हो तो आप रिमार्क भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इजिली क्लाइंट की रिसीविंग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसी तरह से उस क्लाइंट की रिसीविंग को बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको मॉडिफाई करना है यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और जो भी वाउचर नंबर है वो आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट प्रेस कर दिया और इसे सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पेमेंट चढ़ानी है तो ऑल्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, ठीक सेम वे है जैसे आप इसे चलाते हैं वैसे ही पेमेंट चलाते हैं, बस यहाँ पे पेमेंट हो रही है कि आपने पार्टी सेलेक्ट कर ली, पेमेंट हेड सेलेक्ट कर लिया कि किस, मान लीजिए आप कहीं पे ऑफिस लाए या सीए ने कुछ ऑफिस लिया है, रेंट पे लिया है, तो उसका अमाउंट जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल के सेटलमेंट बोर्ड डाल सकते हैं, किस चेक नंबर से आपने उनको पेमेंट किया है, बैंक नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, पेड बाई डाल सकते हैं, रिमार्क डाल सकते हैं, और इस तरह से वाउचर सेव हो जाएगा। अगर मॉडिफाई करना है तो सेम वे है कि आपने F2 प्रेस करना है और देन उसके बाद F7 प्रेस करना है, वाउचर की डिटेल आ जाएगी, आपने जो भी वाउचर एडिट करना है यहाँ से वो आप एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप पेमेंट की रिसीव भी चला सकते हैं, पेमेंट भी चला सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उसकी एंट्री भी कर सकते हैं, रिसीव की रिसीविंग की भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये काम यहाँ पे हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको रिपोर्ट्स चेक करनी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे बिल रिप्रिंट करना है, टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है, प्रोडक्ट सर्विस रिपोर्ट है कि कितनी सर्विसेज आपने कराई हैं इस, मतलब इस डेट्स पर्टिकुलर डेट से इस डेट के बीच, ठीक है, रिसीविंग क्या क्या रिसीव किया है, क्या क्या पेमेंट्स की हैं, और पार्टी का आउटस्टैंडिंग क्या है, उस तरह की रिपोर्ट्स भी इस सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल रिपोर्ट के लिए F2 प्रेस करेंगे और देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस दे रखा है कि अगर कोई बिल कैंसिल्ड है या कंप्लीटेड है उनकी भी अलग अलग रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे शो करेंगे, शो करते ही आपके सामने रिपोर्ट आएगा, हमने यहाँ पे दो बिल आज बनाए हैं, तो दोनों बिल का आपको ये अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी तरह से टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट भी शो हो जाएगी, जो भी आप टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट देना चाहते हैं कितना टैक्स कलेक्ट किया वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्विस की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने GST R1 दिए, कितना टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल, कितना टैक्स, कितना टोटल वैल्यू है, 2A है तो कितना है, ITR 4 है तो कितना है, इस तरह से आपको ये भी प्रोवाइड हो जाएगा। जो फ्रॉम डेट टू डेट आपको रिसीव भी दी जाएगी, किस डेट से किस डेट के बीच क्या रिसीविंग देख रहे हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसी तरह से पेमेंट रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग चेक करनी है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जैसे पार्टी का आउटस्टैंडिंग है कि पेमेंट किया, रिसीविंग किया, जो जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर जैसे वाउचर कटा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कब का है, 3B, तो नेम, अप्रैल, मई, जून, ये सब आप यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशंस में इतनी सारी चीज़ें आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़र इसे आसान बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।